हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग होने वाली है वीकली होरोस्कोप अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइंस। एंड ये रीडिंग होने वाली है फॉर द टाइम फ्रेम 7 to 13 of March। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, विच इज़ seekeroftheDivineTruth@gmail.com। एंड अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे ज़रूर कनेक्ट करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है seekeroftheDivineTruth। और आप लोग उस पर भी मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप वन ऑन वन मुझसे बात करना चाहते हैं तो उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सो इस विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद एवरीवन। अगर आप लोगों की राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि, तो देख लेते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। वाह, पहले ही इतने सारे कार्ड्स आ गए। मैं शफल कर लेती हूँ तो ओके, फिर से कार्ड्स आ गए। शफल करना चाहूँगी मैं। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। द एम्प्रेस अगेन ही कार्ड आ गया, तो यस बहुत ही अच्छा रहेगा। लक इज ऑन योर साइड, आपकी कोई लेडी लक हो सकती है। लेडी लक आपको यहाँ पर आपको सपोर्ट कर सकती हैं। आपको अपनी माँ के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। सब तो आप अपनी माँ से मिल सकते हैं, या फिर आप लोग बहुत ही लग्जूरियस फील करेंगे इस हफ्ते। एंड इस हफ्ते आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम कंप्लीट कर पाऊँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। आप लोग आगे की फ्यूचर प्लानिंग, अपने आगे का फ्यूचर प्लान करके इस हफ्ते चलेंगे। साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमें बता रहा है बहुत ही लकी रहेंगे इस हफ्ते। आप जो भी काम करेंगे वो सफल ज़रूर होगा। साथ ही आप लोगों के लिए इंट्यूटिव गाइडेंस, आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा इस हफ्ते। और आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में बहुत रहेंगे और बहुत ही खुद को अबंडेंट और प्रॉस्परस, खुशी से भरा हुआ महसूस करेंगे। अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी सुंदरता के ऊपर, यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर कुछ लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं। साथ ही मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी में रहेंगे वो लोग कि मैं बहुत सारा काम एक बार में ही कर लूँ, मल्टीटास्किंग कर लूँ। तो आपसे कहा जा रहा है स्लो डाउन की एनर्जी में रहिए, जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हानिकारक रहेगा वो डिसीजन। जल्दबाजी की ऊर्जा में नहीं रहना है आप लोगों को। और साथ ही हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं, तो तब भी वो अपनी तो सेल्फ केयर करेंगे, खुद को हील करेंगे इस हफ्ता। और अगर आप लोग पास्ट की एनर्जी में हैं तो आपसे आपको उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। एंड आपको कुछ ऐसी सिचुएशन जो भी आपको प्रॉब्लम में डाले उसमें बिल्कुल ही नहीं जाना है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कहीं से आपको धोखा फेस करने को मिल सकता है। कुछ इमोशनली थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं इस हफ्ते। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है खुद का ध्यान रखिए। आप लोग खुद का ध्यान रखेंगे, अबंडेंट नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आपको फ्यूचर प्लानिंग करके आगे चलना है। कोई लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ते मिल सकती है, कोई लीडरशिप पोजिशन मिल सकती है। धनुराशि के लिए क्या एडवाइस है धनुराशि? आपसे कहा जा रहा है खुद को ऑर्गेनाइज रखिए, अपने काम को प्लान करिए और ऑर्गेनाइज रखिए। कुछ भी हड़बड़ी में मत कीजिएगा। देखा मैंने कहा ना, बिखर जाएगा नहीं तो सब कुछ। एंड साथ ही वेर आर यू बीइंग ऑन जर्नी टू, आपको कहीं ट्रैवल करने का यहाँ मौका मिल सकता है इस हफ्ते। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है उसको आपको
इग्नोर करने की ज़रूरत है। अपने ट्रिगर्स को समझिए, उस पर काबू पाइए। अपने ट्रिगर्स मतलब कि जो भी गुस्सा, लालच या फिर किसी तरह से आपको कहीं से भी नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आप उसकी जड़ को ख़त्म करिए। एंड प्ले की एनर्जी में रहिए, हैव फन एंड प्ले, डोंट बी सीरियस। प्ले की एनर्जी में रहिए, आप लोग फन वाली एनर्जी में रहिए, सीरियस एनर्जी में मत रहिए। सीरियस एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी इस हफ्ते। प्ले वाली ऊर्जा में रहिए तो उससे आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही हमारे पास है तमस का कार्ड। यहाँ पर कुछ लोगों को हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और आलसी मत बनिए, प्रोक्रेस्टिनेशन में मत जाइए। प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हैं आप लोग। साथ ही धारणा का कार्ड हमें बता रहा है कि आप लोग जैसा सोचेंगे, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आप लोग जैसा सोचेंगे वही सब रियलिटी में आएगा। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है। एंड अपनी सोच को बेहतर बनाएंगे तो आपको रियलिटी में रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपकी धारणा है वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देगी इस सप्ताह। एंड साथ ही ये कार्ड हमें बता रहा है कुछ टॉक्सिक चीज़ों का सेवन मत करिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, जंक फूड वगैरह का सेवन मत करिएगा क्योंकि वो आपको आलस दे सकता है एंड वो आपको हेल्थ वाइज सर्व नहीं करेगा बुरी चीज़ों का सेवन। एंड साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, डे ड्रीमिंग में मत रहिए, डे ड्रीमिंग से बाहर निकलिए और इस आलस को छोड़ के अपना काम करिए। सो यस सजिटेरियस, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की रीडिंग। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।